News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। हाई कोर्ट के पास संवैधानिक अधिकार है, वहां जाना चाहिए, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है। हेमंत सोरेन जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, उसके खिलाफ ये याचिका होती है। विक्रांत न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जो हमने कल देखा था जो ज्ञानवापी के मामले में हुआ, वही आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है और ये कहा है कि संवैधानिक अधिकार हाईकोर्ट के पास है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कई मामलों में पहले भी कहा है, क्योंकि आपको याद होगा मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, पहले वहां पर आपको याचिका दाखिल करनी चाहिए और हाईकोर्ट के पास भी संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट को ये कहा गया हेमंत सोरेन के वकील के जरिए कि ये एक चीफ मिनिस्टर का मामला है और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम एक आदमी की याचिका को सुनवाई करेंगे तो हमें बाकियों की भी सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर है। और कोर्ट ने कहा कि आपको इस मामले में हाईकोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी वही संवैधानिक अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हेमंत सोरेन के वकीलों ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और ये कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपनी पेटीशन आप दोबारा से अमेंड करके डाल सकते हैं। ठीक है विक्रांत, अब हेमंत सोरेन के लिए इंतजार और लंबा हो गया है। शुक्रिया आपका।